अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। बिहार में भी बीजेपी और महागठबंधन दोनों की तैयारी जोरों पर है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है, तो वहीं बीजेपी भी क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ने में जुट गई है। इसके लिए एनडीए की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए थे। मांझी के बाद चिराग पासवान ने भी एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को न्योता नहीं दिया गया था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगे हैं कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में वे किसके साथ गठबंधन करेंगे, मुकेश सहनी महागठबंधन में जाएंगे या घर वापसी कर बीजेपी के साथ रहेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मुकेश सहनी पर बीजेपी पहले से ही डोरे डाल चुकी है। कुछ महीने पहले केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देते हुए मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उस वक्त से कयास लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी बीजेपी में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सहनी के द्वारा बिहार सरकार के सरकारी बंगले को खाली करने के बाद से यह चर्चा और तेज हो गई थी कि वह एनडीए का दामन थामेंगे, लेकिन एनडीए की बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने के बाद फिर से सस्पेंस बरकरार हो गया है। मुकेश सहनी किससे गठबंधन करेंगे? राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठने लगे हैं कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे, क्या वह अपने पुराने गठबंधन बीजेपी में जाएंगे या फिर महागठबंधन में जाएंगे, या मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने जो बीजेपी के सामने शर्त रखी है, उसी पर पेच फंस गया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी चिराग पासवान के बराबर सीट की मांग किए हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बीजेपी से 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट मांगी है। वहीं मुकेश सहनी भी बीजेपी से 6 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि मुकेश सहनी 3 से नीचे जाने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी सीट देने से पहले कैंडिडेट का नाम जानना चाहती है, जबकि मुकेश सहनी सीट की संख्या और नाम पर अड़े हैं। बता दें कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी ने अपनी पहचान सनप मल्ला के तौर पर बनाई है। वह चुनाव में जीत दर्ज नहीं भी करे तो उनकी पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा का वोट बिगाड़ सकती है, यह बीजेपी आलाकमान बखूबी जानते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि बिहार में इस समुदाय की 5% से ज्यादा आबादी है, इसलिए सहनी विनिंग फैक्टर के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में सहनी को न्योता नहीं मिलने पर भाजपा नेता किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से परहेज कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी को फैसला लेने का अधिकार बताकर किनारा कर ले रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी मुकेश सहनी की अहमियत जानती है। बताते चले कि भाजपा ने एनडीए गठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया था और वीआईपी पार्टी के तमाम विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। मुकेश सहनी मंत्री थे और इस घटनाक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया था, जिसके बाद मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो गए थे। हालांकि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए अटकलें तेज थी कि वह फिर से एनडीए का दामन थामेंगे, लेकिन एनडीए की बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने के बाद फिर से सस्पेंस बरकरार हो गया है। वहीं इन दिनों निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए मुकेश सहनी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं के नारे के साथ अपने कार्यकर्ताओं को गंगा जल देकर शपथ भी दिलवा रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारे में कयासों का बाजार गर्म है कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव में वे किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, मुकेश सहनी महागठबंधन में जाएंगे या घर वापसी कर बीजेपी के साथ रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।